YouTube चैनल, आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपने चैनल पे प्रोडक्ट रिव्यूज देती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करना चाहिए। 110% मैं कह सकती हूँ, मैं यू नो फेक रिव्यू कभी नहीं दूंगी, हमेशा मैं ऑनेस्ट रिव्यू भी देती हूँ। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है फिलोरी ब्लैक सीड अनियन हेयर ऑयल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये फिलोरी ब्रांड का है और इस हेयर ऑयल के बारे में आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा वायरल में चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं ये कहना चाहूंगी पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप यू नो सब्सक्राइब करते तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अपने अंदर से कि हाँ मैं और ऐसी वीडियोस लेनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो ये बात करते हैं ये प्रोडक्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, कौन से यू नो साइट पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपको कौन से साइट पे मिलेगा, कितना इसका क्वांटिटी मिलेगा, कितना इसका प्राइस होगा, प्राइस देना सही है कि नहीं उतना, ये सारी चीजें चलिए बात करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एमेजोन पे, आपको यू नो एक डब्बा मिलेगा, उसका प्राइस है ₹199। जी हाँ, और आपको मिलेगा 100ml, तो 100ml के हिसाब से 199 बिल्कुल ठीक है। आई नो बहुत थोड़ा ज्यादा है, पर अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर देने में क्या हर्जी है ना। मैं प्रेफर करूंगी, मैं अमेजोन का लिंक नीचे डाल दूंगी, आप ले लेना। पर अगर आप मीशो से ले रहे हो तो कोशिश करना कि सिंगल वाला लेना, ठीक है। तीन पैक वाला मत लेना, सिंगल वाला लेना, उसका प्राइस ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। क्योंकि अमेजोन में आई गेस ना सिंगल वाले से अमेजोन में जो प्राइस है इसका, सिंगल वाला मीशो में जो प्राइस है थोड़ा ज्यादा, तो आप मीशो से लेना तो सिंगल वाला लेना। अब देखते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम क्या है, हम इस प्रोडक्ट को क्यों ले, कोई भी प्रोडक्ट हम क्यों लेते, क्योंकि वो अच्छा होता है राइट, हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है या फिर हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है राइट। तो देखते हैं इस प्रोडक्ट का क्लेम क्या है, ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है या फिर बेनिफिट्स बोल लो, ठीक है। हेल्प रिस्टोर लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स टू योर स्कैल्प, हमारे स्कैल्प का जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स है, जो न्यूट्रिएंट्स कहीं खो गया है राइट आपका स्कैल्प का, उसको ये लौटाएगा, इसका पहला क्लेम ये है, ठीक है। नेक्स्ट है रिच इन सल्फर, नोन टू मिनिमाइज ब्रेकेज एंड थिनिंग, इसमें सल्फर बहुत ज्यादा है, रिच है बहुत ज्यादा सल्फर से ये, तो आपका जो ब्रेकेज है, जो बाल टूटता है ना उसको ये कम करेगा और आपके जो बाल पतले हो गए हैं उसको ये कम करेगा, मतलब बाल पतले होना कम करेगा, ठीक है। आपका ब्रेकेज कम करेगा, आपके जो बाल पतले हो गए उसको ठीक करेगा, बाल आपका पतले नहीं होने देगा, ठीक है। थिकेंस हेयर एंड सपोर्ट्स हेयर ग्रोथ, आपके हेयर को यू नो मोटा बना देगा ये, बिल्कुल आपके हेयर को मोटा बना देगा और हेयर ग्रोथ सपोर्ट करता है, मतलब आपके बाल लंबे करेगा, ठीक है। आपके बाल पतला होना बंद करेगा तो ऑब्वियसली मोटा बनाए और आपके बाल को लंबे करेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कह रहा है कि इसका ये है बेनिफिट, प्रोवाइड सुपीरियर एक्सटर्नल नरिशमेंट, आपके हेयर को एक्सटर्नल नरिशमेंट भी देगा ये, ठीक है। तो इसके जो क्लेम्स है ना कि आपके बाल को पतला नहीं होने देगा, आपके बाल को बिल्कुल यू नो लंबा कर देगा और वो भी सिर्फ 10 दिनों में, आपके बाल स्कैल्प में नरिशमेंट देगा, आपके बाल बाहर से भी अच्छे लगेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या ही हो गया है ना, बहुत अच्छी बात। क्योंकि यार टू बी ऑनेस्ट, आजकल ओल्डर जनरेशन से भी ज्यादा हम यंगर जनरेशन में भी, ज्यादा नहीं बोलूंगी पर ओल्डर जनरेशन के साथ साथ हम यंगर जनरेशन में भी हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा, हमारे बाल झड़ते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, हमारे बाल पतले हो रहे, यू नो हमारे बाल बिल्कुल जैसे पुराने जमाने में लोगों के बाल होते थे वैसे तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। हमारे बाल में नरिशमेंट नहीं है, ठीक है, हमें डैंड्रफ होते, बहुत सारी परेशानियां होती है, ठीक है। बहुत लोग यू नो यंग एज में बहुत लोगों के बाल झड़, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, वो कॉन्फिडेंस हमारा लो हो जाता है, हम बाहर नहीं जाना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते क्योंकि हमारे बाल बहुत कम है, ठीक है। बॉयज में भी ये परेशानी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बाल झड़े तो उनका तो विजिबल हो जाता है, जैसे ही थोड़े बाल झड़ने शुरू होते उनका विजिबल हो जाता है, लड़कियों का फिर भी उतना पता नहीं चलता, पर अगर लड़कों के बाल झड़ने शुरू होते तो बहुत ज्यादा विजिबल हो जाता है, पता चल जाता है कि इनके बाल झड़ रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, बाहर जाने का मन नहीं करता। तो ये हेयर ऑयल सॉल्यूशन उन सारे चीजों का, अगर इसका क्लेम सच है तो ये हेयर ऑयल सॉल्यूशन उन सारे चीजों का, आपको अब गंजेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों के सामने हंस कर मिल सकते हैं, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आपके बाल पतले नहीं होंगे, ठीक। क्योंकि इसमें अनियन है तो बहुत लोग सोचेंगे ये हेयर ऑयल तो बिल्कुल इफेक्टिव होगा ही, अनियन है तो इफेक्टिव कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि अनियन हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगी। व्हेन एडेड टू द हेयर एंड स्कैल्प Onion juice can provide extra support, strong and thick hair, thus preventing hair loss and promoting hair growth. The sulfur from onions may also help promote collagen production. Collagen in turn helps the production of healthy skin cells and hair growth. अनियंस आपके हेयर यू नो थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हेयर फॉल कम होता है थिक एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं अनियन से हेयर, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये प्रूवन फैक्ट है और ऐसा आपके यू नो घर में बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे कि अनियन से ऐसा होता है, ठीक है। और जो है अनियन जो है ना आपके स्किन और हेयर दोनों को ही हेल्दी बनाता, तो अनियन का बहुत ज्यादा यूज है हमारे हेयर्स के लिए, हमारे हेयर्स को बहुत अच्छा बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, टूटने से बचाता है, हेयर फॉल कम करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके बाल को हेल्दी बनाता है, स्किन को भी हेल्दी बनाता है, ठीक है। अब आते हैं हाउ टू यूज, बहुत बारी क्या होता है ना लोगों को पता
कैसे करना, प्रोडक्ट मंगा लेते हैं ठीक है, पर यूज कैसे करें पता नहीं होता क्योंकि आपके पास इतने सारे अवेलेबिलिटी है। अभी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखकर ऑब्वियसली पता कर सकते, तो प्लीज ऐसी गलती नहीं करें कि गलत तरीके से यूज करके और फिर आपके स्किन पे आपके स्किन पे आपके हेयर्स पे गलत उसका इफेक्ट पड़े और फिर आप दोष देते हैं कंपनी अच्छी नहीं है, शैम्पू अच्छा नहीं है, हेयर ऑयल अच्छा नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, जब तक पता नहीं हो कैसे यूज करना प्लीज डोंट यूज दैट। तो देखते हैं इसका डायरेक्शंस ऑफ यूज क्या। Take 3-5 ml of Filori onion oil in your palm and apply it on your hair roots using comb and fingertips. 3-5 ml आपको अपने palm में ले लेना है ठीक है, आपको इसको अपने hairs पे लगाना है ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि हेयर रूट्स पे लगाए अच्छे से आप उसको लगाए अपने पाम में लेके 3-5 ml आप ले और अच्छे से लगाए, क्योंकि इसका जो आप देखेंगे जब डब्बा तो ये कोम स्ट्रक्चर में आता है आप उससे भी लगा सकते हैं, पर क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है पाम में लेकर अच्छे से अप्लाई करें तो प्लीज जैसा बोल रहा है वैसे ही अप्लाई करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेंटली अप्लाई फ्रॉम रूट टू टिप, रूट से लेकर पूरा नीचे टिप जो होता है हेयर्स का वहां तक अच्छे से अप्लाई करें ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। लीव इट ओवर नाइट एंड वॉश विद फिलोरी ऑनियन शैम्पू। जी आपने बिल्कुल सही सुना, इसका शैम्पू भी आता है, पर जरूरी नहीं है कि आप इसके शैम्पू से वॉश करेगा, पर नहीं है कि आप उसे शैम्पू से करें, आपके पास जो शैम्पू आप उससे वॉश कर सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो वो शैम्पू ले सकते हैं वरना आपके पास जो शैम्पू आप उससे भी वॉश कर सकते हैं। इसमें ये चीज मेंशन नहीं है पर मैं बताना चाहूंगी कि 18 प्लस लोगों को इसको इस्तेमाल करें, 18 प्लस अब जिसका एज है वही इस्तेमाल करें, और इसको मैन और वुमेन दोनों ही यूज कर सकते, ऐसा कुछ जेंडर बायसनेस इसमें है नहीं कि हाँ मैन लगाया वुमेन लगाया ऐसा कुछ नहीं, वेन वुमेन इसको दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, दोनों इसको अच्छे से यूज कर सकते। और क्योंकि ये बोल रहा है ये 10 दिन में आपके बाल लंबे घने कर देगा, तो ऑब्वियसली इसको वीक में आप 3 बार इस्तेमाल करके देखें नहीं, वीक में 2-3 बार ही इस्तेमाल करें इसको ठीक है। और अगर आप रात में लगाकर इसको नहीं सोना चाहते, आपको तेल लगाकर सोना पसंद नहीं है, तो आप सुबह उठकर 1-2 घंटे पहले अपने हेयर्स में लगा लें और फिर मतलब शैम्पू करने के 1-2 घंटे पहले लगा ले फिर शैम्पू कर दो ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है, क्या इसके इतने जो सारे क्लेम्स है कि आपके बाल को बिल्कुल घना कर देगा, लंबा कर देगा, आपके बाल में झड़ना बंद कर देगा, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगा, आपके बाल में वॉल्यूम ऐड करेगा, वॉल्यूम मतलब आपके बाल घने लगने लगेंगे ठीक है, बहुत ही अच्छे लगने लगेंगे ऐसा जो ये कह रहा है ठीक है। और क्योंकि वो भी सिर्फ 10 दिनों में ऐसा सब कुछ हो जाएगा, तो क्या ये सारी बातें सही हैं? क्या अब आपको गंजेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल आपके जो बाल झड़ गए थे वो वापस आ जाएंगे, आपके बाल नहीं आएंगे ठीक है, अब आपको लोगों से मिलने में शर्माना नहीं पड़ेगा ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि हेयर्स ऑब्वियसली आपके जब हेयर्स नॉर्मल रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो गई, पर हाँ यंग एज में अगर बाल झड़ने लगते तो वो बहुत गंदा होता है, हमें बहुत कॉन्फिडेंस हमारा गिर जाता है टू बी वेरी ऑन। तो बिल्कुल सच्चाई के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जी नहीं, ये प्रोडक्ट काम नहीं करता, जैसे कि ये क्लेम करते हैं कि सिर्फ 10 दिनों में ये सब होगा, तो जी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपका ये हेयर ऑयल तो बहुत अच्छा है, इसका कुछ नुकसान नहीं होगा, पर ये नॉर्मल ऑयल की तरह जो आप नॉर्मल ऑयल लगाते हैं ना अपने हेयर्स में, ये बस उसी तरह है, तो कुछ एक्स्ट्रा आपके हेयर्स में से कुछ होने वाला है नहीं ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल हेयर ऑयल की तरह है जो ये क्लेम करता है कि सिर्फ 10 दिनों में ऐसा हो जाएगा, तो नो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके बाल झड़ना ऐसा कुछ होगा नहीं ठीक है, नॉर्मली आपके बाल जैसे थे वैसे ही रहेंगे ठीक है। तो झूठ नहीं बोल रही या बनाकर नहीं बोल रही, मेरे खुद के फ्रेंड ने इसको यूज किया हुआ है और इसको कुछ उसको जबकि बिल्कुल थोड़ा सा हेयर फॉल हो रहा था उसको कुछ असर नहीं हुआ, उसने 1 वीक से ज्यादा इनफैक्ट इसको यूज किया था, क्योंकि 10 डेज बोलता तो उसने 1 वीक से ज्यादा यूज किया, पर कुछ असर नहीं, उसके बाल जैसे थे वैसे ही है, नॉर्मल है, कुछ डिस इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं हुआ, पर हाँ कुछ अच्छा इफेक्ट भी नहीं हुआ, नॉर्मल ऑयल की तरह आप इसको चाहे तो यूज कर सकते, पर इसके जो क्लेम्स है इतने सारे ये सारे बिल्कुल भी बिल्कुल फेक है, तो अपना पैसा वेस्ट नहीं करें, अगर आपको कोई नॉर्मल ऑयल की तरह कोई ऑयल चाहिए तभी आप इसको ले, वरना बिना मतलब इस ऑयल का यूज नहीं करें, मैं तो यही कहूंगी। तो बस यही था मेरा रिव्यू फिलोरी ब्लैक सीड अनियन हेयर ऑयल के ऊपर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए क्योंकि जीना इसी का नाम है।